अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को चिकन बन बनाना सिखाऊंगी। चिकन बन बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। सबसे पहले जो है हम बन बनाएंगे। ये 4 कप जो है मैदा है, 2 अंडे हैं, ये 1.5 टेबल स्पून ईस्ट है, 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टीस्पून जो है आपका सॉल्ट है। ये 3/4 कप मिल्क है और उसमें 4 to 6 टेबल स्पून ऑयल है, और ये दूध हमारा गर्म है, और थोड़ा सा पानी हमें चाहिए होगा। और सबसे पहले हम मैदे में अंडा, नमक और चीनी, ईस्ट, ये दूध और ऑयल जो मिक्स करके रखा था वो, इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा डालेंगे। ये थोड़ा सा मैंने डाला है, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून वाटर, और ये डो हमारे स्पीड पे मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसको हम कवर करके गर्म जगह पे रख देंगे 1 घंटे के लिए, और इसका बैटर बना लेंगे। ये 800 ग्राम जो है बॉयल चिकन है, ये 2 से 3 टेबल स्पून जो है आपका मक्खन है, 1 प्याज है चॉप, ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, नमक जो है अपने जायके के हिसाब से लेंगे, 1 हरी मिर्च है और थोड़ा सा हरा धनिया है, 1/2 कप दूध है, थोड़ा सा तेल ज़रूरत पड़ेगी हमें, 1 अंडा और 1.5 टेबल स्पून मैदा है। सबसे पहले हम एक पॉट में ये मैंने 3 टेबल स्पून बटर डाला है, इसमें चॉप ऑनियन डाला है और मैदा डाल के इसको इतना पकाएंगे इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे और चिकन डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च, कूटी मिर्च, नमक और काली मिर्च, इनको डाल के हमने मिक्स कर लेना है और इस बैटर को ठंडा कर लेना है। ये डो हमारा जो है अच्छे से राइज हो गया। इसका एयर निकाल के इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ओवन को 350 डिग्री पे मैंने प्री हीट करने रख दिया, और ये छोटे छोटे बॉल्स बनाते जाएंगे। इनको लंबाई में बेलना है। इस सारे जो हैं लंबाई में बेल लिया, और इसमें चिकन की जो फीलिंग हमने बना कर रखी थी ये फीलिंग इसमें डाल के हमें इनको साइड से काटना है, दोनों साइड से। इसी तरह दोनों साइड से काट लेंगे और फिर फोल्ड करेंगे।
आप इसे ऊपर से जो है फोल्ड करते हुए जाएंगे नीचे तक। अब इसको हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे और बेकिंग ट्रे में रखने के बाद एग वॉश जो था वो लगाएंगे। इसके ऊपर हम सफेद तिल और कलवंजी दोनों लगा सकते हैं और ओवन जो है हमारा प्री हीट हो गया है, 25 से 30 मिनट बेक करेंगे। ये हमारे पन रेडी हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इसको बनाएं, अच्छा लगे लाइक करें और जो नए विज़िटर हैं मेरे चैनल पे आए वो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।